बलात्कार हो रहे हैं, लड़की सड़क पर, दिल्ली की सड़क पर, दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी की सड़क पर निर्वस्त्र पड़ी है। किसी ने अपना कपड़ा उतार के, किसी ने अपना कोट या अपनी शर्ट उतार के उसके शरीर पर नहीं डाली, फोटो खींचने लगे। शर्म आनी चाहिए। इस मानसिकता को बदलने के लिए हम लोग निकले हैं। एक और चीज है, कई बार परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर एक बहुत पाखंड चलता है हमारे समाज में, दुनिया भर के समाज में एक बड़ा पाखंड ये चल रहा है, जैसे किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, जो पहला कमेंट होता है, जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो ये, अरे इस बेचारी की तो इज्जत लुट गई, उस लड़की की इज्जत लुट गई, अरे वो पापी है जिसने इसकी इज्जत लूट ली। बच्चे इसी मानसिकता में बड़े होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि बोलना नहीं, ये थोपी हुई चुप्पी संस्कृति या सभ्यता के नाम पर एक पाखंड है जिसका अंत हमें और आपको मिलकर करना है। मैं इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मुझे गर्व है, मेरे रोम रोम में भारत माता की मिट्टी बसती है। और शायद परमात्मा ने इसीलिए जब चुना कि भारत में पैदा हुआ पहला भारतीय अगर दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार लेगा, तो संयोग से वो मैं था। अकेले भारतीय को यह पुरस्कार मिला जो यहां पैदा हुआ, यहां बड़ा हुआ, यहां का नागरिक है, शांति पुरस्कार। इस नाते मैं पूरे अधिकार से यह कहता हूं, आपको अपना समझकर, परिवार का समझकर, अपने पूरे अधिकार से कहता हूं,